राम राम सा, पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। आज वो पनीर और पापड़ उपाड़ नाश्ता बनाना तैयार करेला, जिको सुबह री चाय रे साथ और दोपहर चाय साथ भी आप आराम ले सको, इन्हीं साथ खाने रे साथ भी आप एज ए स्टार्टर शुरू करोला तो सबाने बहुत ही पसंद आवेला। इन नाश्ता आराम है, एक बार बनाने आप फ्रीजर रे मायने लीक टाइट डब्बे रे मायने भरने रख दोला तो करे भी आपने खाना वे या एज ए स्टार्टर शुरू करना वे उन टाइम रे आप फ्राई करने गर्मा गर्म शुरू कर सको। तो पदार माई रसोई रे मायने वो पनीर और पापड़ नाश्ता बनाना शुरू करा। पनीर पापड़ रोल बनाने वास्ते अपा तीन पापड़ लिया है, बड़ी साइज रा पापड़ है। आप चाहे तो मूंगरा पापड़ भी ले सको, उड़दरा पापड़ भी ले सको और चनारा पापड़ वह वे भी आप ले सको। बेन पापड़ ना पके तोड़ ले वहाँ इंतर वहाँ के तोड़ना छोटोड़ा पीस रवान कर ले वहाँ इंतर आप छोटोड़ा पीस कर लो पापड़ा। पापड़ आराम तोड़ जाया करें, पापड़ ने अगर थोड़ी देर आप हवा में रख दियो तो और ज़्यादा ब्रिटल हो जाए, जल्दी टूट जाए, सूख जा पापड़ नहीं जल्दी टूट जाए करे। आप चाहो तो मिक्सी रे मायने पीस सको दर दर आप पर कहीं एक हाथ तोड़ो तो ज़्यादा अच्छा रही छोकड़ा पीस में रही ना। आप चाहो तो कैचियो भी काट सको या ना, पतला पतला कैचियो काट लो जिको आपने सुविधाजनक लगे कहीं इंतरू आप कर लीजिए। अपन कहीं चूरो करना है पापड़ और की नहीं मान, मैं ज़्यादातर हाथों कर लिया करूँ, इस रास्ते में हाथों कर लिया, बहुत ज़्यादा मई नहीं करना अपन इंतरो पर तोड़ने तैयार करना। ये सब पापड़ अपा तोड़ने तैयार कर लिए, पापड़ अपा साइड में रख दिया। अब आप वजन मैं लगभग 200 ग्राम पनीर लिया हाँ, और पनीर से आप मार्केट भी खरीद सको नहीं तो घर ही बना सको। घर में पनीर बनाने बहुत आसान है। अब दूध ने गर्म करने थोड़ा सा 5 मिनट ठंडो करने सिरको डालने आप या नींबू डाल ले उन्हें फाड़ सको, आपका पनीर बढ़ना तैयार हो जाओला। बहन पनीर ने कहीं कद्दूकस कर ले वहाँ इंतरो अपना कद्दूकस करना तो अच्छा महीन महीन हो जाएगा। बड़ा बड़ा पीस आप रह जाओ तो हाथों तोड़ लीजिए, जब तक हो सके आप इंतरों कद्दूकस कर लो। इंतरों पर पूरा पनीर ने कद्दूकस करने तैयार कर लिया सर। अब इनमें नपा थोड़ा मसाला डाल देवा, इनमें के ज़्यादा मसाला नहीं डाल दीजिए करें तो क्वार्टर चम्मच अपन नमक डाल देवा। नमक आप स्वाद अनुसार कम बता डाल सको क्योंकि पापड़ आप डाला कर पापड़ रमाने में नमक होया करे, इस वास्ते अपन ज़्यादा नमक नहीं डालना और थोड़ा आप हरा धनिया डाल देवा इनमें। अब छोटा चम्मच इनमें अपन जीरो डाल देवा, न एक मैं फीकी मिर्ची ली हुई हूँ, आज ज़्यादा मिर्ची तीखी नहीं है, इस वास्ते मैं एक डाली हुई मैंने। अगर मिर्ची ज़्यादा तीखी हुई तो आप उन हिसाब कम बत्ती कर सको। अपने सब ने अपना अच्छा मिक्स कर लिया, क्वार्टर छोटो चम्मच इनमें अपना चाट मसाला डाल दें। चाट मसाला हो गई थोड़ी सी हल्की सी खट्टाई भी आ जावेला न खाओ न मैंने अच्छा चटपटा लगेगा। सब ने अपना मिक्स कर लाला। इन मसाला मैंने अपना लाल मिर्ची नहीं डाला, आप हरी मिर्ची नहीं डालता हुआ तो थोड़ी काली मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, वो भी अच्छा लगेगा। अब बहुत सिंपल बनना तैयार होया करे, खाउंड मैंने बहुत अच्छा लगे। इन तरह अपन सब ने मिक्स कर लिया हाँ, इन टाइम आप नमक टेस्ट करने भी देख सको, नमक आपने फीको लागत हुआ तो आप नमक और डाल दीजिए। बस छोटी छोटी अपाए के इन तरह बॉल्स वे जो बना लो या तो आप चाहो तो नहीं तो इन्हें अंडाकार शेप दे सको। इन तरह सिलेंडर वे के जड़ो शेप दे सको, कोई भी शेप प्रमाण बनाओ आपने अच्छा लगे। इन तरह अपना बना रख देवा, छोटी बड़ी साइज आप पसंद है हिसाब बनाओ, पर ज़्यादा बड़ा भी नहीं क्योंकि एज ए स्टार्टर वजू शुरू करा नहीं अपना। ये नाश्ते में नहीं खाओ तो इन तरह अपना छोटा छोटा पीस खाउंड में अच्छा लगे। अंडा कार से प्रमाण सब बनाने तैयार कर लिया, इन तरह अपना सब बनाने तैयार कर लिया हाँ। अब इन मत लगो इन वास्ते एक पेस्ट बनाने तैयार कर लिया हूँ। तो मैं 3 टेबल स्पून मैदा लिए हूँ, आप अगर मैदा नहीं हुआ तो आप आटो ले नहीं बना दीजिए बोले। अब इन मैंने अपना नाप ने पानी डाल दिया तो लगभग 3 टेबल स्पून बचे तो इनमें पानी डाल दो एक बार। पानी अपना थोड़ा थोड़ा करने डाला इन्होंने, अब इन तरह अपना पेस्ट बनाने तैयार कर लिया। देखो पेस्ट में रनिंग होना चाहिए, ज़्यादा जाडो भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतलो ही नहीं। देखो इन्हें बैक साइड में दिख रही है आप, इन तरह अपना पतलो होना चाहिए, ज़्यादा जाडो भी नहीं है, ज़्यादा पतलो भी नहीं। बहुत ज़्यादा जाडो वाला तो अपन मैदा मैदा टेस्ट आवेला इन महीने, हल्को सा इन माते बस लेयर लाग जावला इन महीने, एडो ही होना चाहिए। अब आप पापड़ पनीर रोल बनावना शुरू करा, सब पहले अपना करेला एक पनीर रोल ने इन मैंने डाल डाला, वो पनीर रहा देखो रोल बनाया इन पर डाल दें, इन माते अपना इन तरह मैदा लगा दें, मैदा सब जगह लाग जाना चाहिए, सब जगह मैदा लाग गया है। देखो अब जगह पापड़ अपना चूरो करने रखे आके इन मैंने डाल दें, देखो न सब पापड़ इन माते अपन लपेट लें, अच्छी तरह पापड़ सब जगह लाग जाना चाहिए। देखो सब जगह पापड़ अच्छी तरह लाग गया है, बस पापड़ लागोड़ा वाला तो खाउंड में बहुत अच्छा लगे। देखो इन तरह पापड़ सब जगह लाग गया, पूरे पापड़ ऊपर लपेट लीजिए, इन तरह ऊपर लगान रख दे। एक मैं आपने और बताऊँ, देखो मैं साइड में रख देवा, एक पीस इन मैंने और डाल देवा, मैं सब रमाता पाओ मैदर पेस्ट लगा ले इन तरह, और पेस्ट लाग गया अपन पूरा। अब पापड़ ने अपना फैलाएड़ा रखना,
मैंने डाल देना ने? ए पापड़ है जी कहीं मत लपेट देना, आराम लग जाए आराम। देखो सब जगह लपेटी गया पापड़, कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए। या कहीं खाऊं मैंने पता बहुत अच्छा लगे। इन तरह ओपा सब बनाना तैयार कर लिया। हाँ साइड में अपना तेल भी आई गया है। तेल अपना मीडियम गर्म करना, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। अब एक एक करना इनमान अपना डाल देना एक साथ है। बहुत ज़्यादा नहीं डाला ला, थोड़ा थोड़ा डाला ला यहाँ फ्राई करा ला। पापड़ के कारण ओपन थोड़ा झाग आ जाया करे, झाग धीरे धीरे खत्म हो जाए वाला। मैं धीरे धीरे पलट ले आऊँ। यहाँ आँच अपने मीडियम में रखनी, ज़्यादा तेज आँच में नहीं करना है। एक झाग अपना पापड़ के कारण आया, पापड़ रामायण अपने वैनियो पापड़ खा भी जो बता मैं झाग आया करे थोड़ा। पापड़ यू ही फ्राई करा जब झाग आया करे अपन। यू पापड़ फ्राई करा तो आधा मिनट में अपन पापड़ फ्राई हो जाए। पर कहीं इन माता अपन मैदा पेस्ट लागू है, पापड़ अपना गीला हो जाया करे। इससे थोड़ा फ्राई होने या ना टाइम लाग गया करे, ज़्यादा टाइम तो नहीं लागे पर थोड़ा टाइम लाग गया करे। पर दिखे ना मायने बहुत ही अच्छा हो गया, पापड़ बड़ेला नहीं इन मायने अपना। आप देख रहे हो दिखे ना मायने बहुत ही सुंदर लाग रही है। मैदा पेस्ट लगाने से कहीं फाटे भी नहीं है, पनीर बारे नहीं आवा अपना। मैदा पेस्ट भी इन मायने पक जा वाला, पापड़ भी अपना अच्छा पक जा वाला। देखो यार कलर चेंज हो गया है पापड़ का, बहुत ज़्यादा आप पापड़ का कलर चेंज नहीं करा। अच्छा कलर चेंज हो गया, पापड़ अच्छा पक गया है। बारह निकलिया पची थोड़ा आप गर्मी में मैंने पकता रहा करें। देखो बहुत सुंदर कलर आया, ज़्यादा कलर ला पापड़ कहीं काला पड़ जाए वाला, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पापड़ में। इन्हें इस तरह पर दूसरा फ्राई कर लेना। ये बारू बहुत ही क्रिस्पी बनना तैयार हो जाया करे। नदी करना मायने बहुत ही अच्छा लगे, इन्हें सर्व करना तभी इन्हें वेराइटी लगे। उन तरह दूसरा भी अपना फ्राई हो गया है, इन्हें अच्छा कलर आई गया। देखो अब आप गैस बंद कर देना, सब फ्राई करना तैयार कर लिया। आप देख रहे हो दिखे ना मैंने पापड़ कितना सुंदर लाग गया इन माता। इन तरह अपन सब पापड़ रोल बनाना तैयार कर लिया। हाँ आप देखो दिखे ना मैंने बहुत ही सुंदर लाग रही है, लागे नहीं कि पापड़ बुनड़ो वाला। बारू कई पापड़ के कारण अच्छा क्रिस्पी बनना तैयार होया है और माइनू एकदम सॉफ्ट बनना तैयार होया है, जो खाउंड मायने बहुत ही स्वादिष्ट लगे। इन आप धनियारी चटनी के साथ है या टमाटो केचप साथ है या इमली चटनी साथ खाओ ला तो भी अच्छा लगे। कुछ भी नहीं आपने तो कोरा खाओ तो भी अच्छा लगे। मानू देखो कितना अच्छा लाग रही है दिखे ना मायना, बहुत ही सुंदर लाग रही है। और आप करे भी गर्मा गर्म सर्व करो ला तो बहुत ही अच्छा लगेगा, खाउंड मन बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो आपने नाश्ता रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताई जो। इन्हीं तरह एक दूसरी रेसिपी देखनी हुए तो यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर जरूर सब्सक्राइब कर जो। मिला लाड़ी दूजे वीडियो मायने, जब तक राम राम सा।